हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे ही हो गए। तो दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा कि आज हम यहाँ पर WD की PyTb की हार्ड डिस्क का अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। यहाँ पर इस हार्ड डिस्क में हमको कितनी एक्चुअल स्पेस मिलती है, यहाँ पर उसकी स्पीड हमको एक्चुअल कितनी मिलती है, वो सब आज हम यहाँ पर इस वीडियो में देखने वाले हैं। और एक्स्ट्रा की बात करें तो यहाँ पर इस हार्ड डिस्क का हमारे पास 1 TB वाला भी एक वर्जन है जो हम पिछले एक साल से यूज कर रहे हैं। उसके साथ इसका कंपैरिजन भी हम आपको बताएं कि क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है, तो वो सब चीजें आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना मत भूलना। और मुझे पता है कि यहाँ पर हम इस चैनल पर कई महीनों से वीडियो अपलोड नहीं कर रहे थे, पर अब ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर मुझे थोड़ा काम था, थोड़ा वर्क था, इसकी वजह से मैं यहाँ पर चैनल पर थोड़ा ध्यान नहीं दे पा रहा था। यहाँ पर ऐसी नई नई चीजें, नई नई ट्रिक्स इंटरनेट के बारे में, स्मार्टफोन के बारे में, वो सब मैं आपको बताता रहूंगा। तो वो सब चीजें आप मिस ना करें, इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और अभी तक आप इस वीडियो पर टिके हो, वीडियो पसंद आ रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करना भी बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने इस हार्ड डिस्क को फ्लिपकार्ट पर से ऑर्डर किया, तो यहाँ पर हमको फ्लिपकार्ट का पहले एक बॉक्स मिल जाता है और उसके अंदर हमको हमारी हार्ड डिस्क मिल जाती है। कुछ इस तरीके से हमको यहाँ पर उसका पैकिंग मिलता है। यहाँ पर हमने इस हार्ड डिस्क का रेड कलर का वेरिएंट ऑर्डर किया, तो यहाँ पर हमको इस बॉक्स के ऊपर रेड हार्ड डिस्क का ग्लोसी स्टिकर मिल जाता है। यहाँ पर ये पूरा बॉक्स मैट है और यहाँ पर ये जो स्टिकर है वो ग्लोसी टाइप का चमकता हुआ आपको शायद दिख रहा होगा वीडियो में। तो यहाँ पर हम इस बॉक्स के ओवरव्यू की बात करें तो यहाँ पर हमको सारे इन्फॉर्मेशन दी गई है कि ये हार्ड डिस्क कहाँ बना है, कैसे बना है, यहाँ पर इस बॉक्स में आपको क्या क्या मिलता है, इसकी MRP क्या है और यहाँ पर इसके सारे फीचर्स भी दिए गए हैं। यहाँ पर हम इस साइड की बात करें तो यहाँ पर हमको 3 मेन हाइलाइटिंग फीचर्स दिए गए। ये एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड हार्ड डिस्क है, यहाँ पर हम इसमें बैकअप, डेली बैकअप ले सकते हैं। यहाँ पर 3 ईयर की हमको वारंटी मिलती है WD की तरफ से। तो चलिए अब हम इस हार्ड डिस्क को ओपन कर रहे हैं और देख लेते हैं कि हमको अंदर क्या क्या मिलता है। तो हमको कुछ इस तरीके से अंडर हार्ड डिस्क की पैकिंग मिलती है। यहाँ पर हम पैकिंग को एकदम खराब भी नहीं बोलूंगा और एकदम अच्छा भी नहीं बोलूंगा, हमको मीडियम टाइप की पैकिंग मिल जाती है। यहाँ पर ये पूरा प्लास्टिक से कवर है ताकि हमारी हार्ड डिस्क को कोई भी झटका या कुछ भी लगे तो उसको नुकसान ना हो, इसीलिए वो प्रोटेक्टेड रहे, वो उस टाइप की पैकिंग हमको यहाँ पर मिलती है। तो इसको भी ओपन कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर कुछ इस तरीके की हमको यहाँ पर हमारी 5 TB की हार्ड डिस्क मिलता है। इसको हम थोड़ा साइड पर रखते हैं अभी के लिए और आपको अंदर क्या क्या मिलता है वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर वो बहुत बड़ी पुस्तिका है, यहाँ पर वो कुछ हमारे काम की भी नहीं है, कोई इसको पढ़ता भी नहीं, पर हमको इसको संभाल कर रखना है ताकि अगर हमारी हार्ड डिस्क कुछ भी हो तो आगे जाकर हमको वारंटी में प्रॉब्लम ना, इसीलिए हमको इसको संभाल कर रखना है। अब यहाँ पर इसके साथ हमको अंदर एक वायर भी मिलती है जो हमारी हार्ड डिस्क के लिए हमारे PC में या तो फिर हमारे कंप्यूटर टैबलेट में कनेक्ट होने के लिए मदद मिलेगी उससे। यहाँ पर ये जो पोर्ट है वो हार्ड डिस्क का पोर्ट है, मतलब कि ये पोर्ट हार्ड डिस्क को कनेक्ट करेगा। और यहाँ पर ये जो पोर्ट है वो USB टाइप ए पोर्ट है, तो वो हमारे PC या तो फिर हमारे लैपटॉप में प्लग इन होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर हम हार्ड डिस्क के फ्रंट ओवरव्यू की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको WD का लोगो दिख जाता है और थोड़ा टेक्सचर टाइप का कुछ डिज़ाइन है। और यहाँ पर हार्ड डिस्क के कलर की बात करें तो यहाँ पर मैंने ऑर्डर तो रेड कलर ही किया था और रेड कलर ही आया है, पर इन लोगों का रेड कलर कुछ इस टाइप का है कि आपको रेड और ऑरेंज का थोड़ा मिक्स लगेगा, मतलब कि प्योर रेड भी नहीं है और प्योर ऑरेंज भी नहीं है, इन दोनों के बीच का एक कलर है। और यहाँ पर हार्ड डिस्क के बैक की बात करें तो यहाँ पर ठीक उसी तरीके का हमको एक टेक्सचर मिलता है। और यहाँ पर बैक के कलर की बात करें तो यहाँ पर हमको ग्रे कलर मिल जाता है और उसके नीचे का एक जो पार्ट होता है, नीचे का जो पोर्शन होता है, उसमें हमको हार्ड डिस्क के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन, यानी कि उसके वोल्टेज, मैन्युफैक्चरिंग और बहुत कुछ यहाँ पर हमको उसके नीचे लिखा हुआ मिल जाता है। अगर आप चाहो तो वीडियो स्टॉप कर पढ़ सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पर हमने 2 हार्ड डिस्क रखी है, एक ऑरेंज वाली और एक ब्लैक वाली। यहाँ पर जो ये ऑरेंज वाली है वो 5 TB की है और ब्लैक वाली जो है वो 1 TB की है, जिसको हम 1 ईयर से यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर दोनों की थिकनेस में तो बहुत फर्क है, क्योंकि यहाँ पर एक में 1 TB है और एक में 5 TB है। तो दोस्तों, अब आपने अनबॉक्सिंग तो देख लिया और हार्ड डिस्क के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी भी दे दी कि किस तरह से हमको हार्ड डिस्क मिलती है, उसकी एक्चुअल साइज क्या है, तो वो सब तो आपको पता चल गया।
अब यहाँ पर हमको इसकी एक्चुअल स्टोरेज कितनी मिलती है और यहाँ पर हमको साइज डिफरेंस, मतलब कि वो लोग 5 TB तो बोलते हैं कि ये 5 TB की हार्ड डिस्क है, पर यहाँ पर उसका जो सिस्टम स्टोरेज है वो कितना यूज करता है, हमको यूज करने के लिए कितनी स्पेस मिलती है, वो सब हम आगे लिखते हैं। तो यहाँ पर हमें माई पासपोर्ट करके एक ड्राइव दिख रही है, वो हमारी ये जो नई एक्सटर्नल हार्ड डिस्क 5 TB की है उसकी ड्राइव है। तो यहाँ पर हम इसको राइट क्लिक कर उसकी प्रॉपर्टी चेक करते हैं, तो यहाँ पर हमें 4.54 TB यूज़ करने को मिलती है। यहाँ पर जो बाकी की स्टोरेज है वो यहाँ पर सिस्टम स्टोरेज के तौर पर कट हुई है, यहाँ पर हमको यूज़ करने के लिए 4.5 TB मिल जाती है। यहाँ पर अब हम एक फोल्डर को कॉपी पेस्ट कर देखते हैं ताकि हमको हार्ड डिस्क की स्पीड भी पता चल जाए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि हमको 50-60 MB के आसपास स्पीड मिलती है। यहाँ पर एक साथ मैं दो फाइल करूँगा तो यहाँ पर हमको दोनों में 60 MBPS स्पीड मिलेगा। ये मैंने कल करके देखा था, यहाँ पर मैंने मेरा कई सारा डेटा जो बहुत पुराना था वो यहाँ पर मैंने कॉपी पेस्ट बैकअप के लिए कर दिया है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये स्टोरेज जो है वो धीमे धीमे बढ़ रही है और कई जगह पर धीमे धीमे कम भी हो रही है। तो दोस्तों, आपने अभी तक कोई भी WD की प्रोडक्ट बाय कर रखी है या तो फिर ये हार्ड डिस्क बाय करने की सोच रहे हो, तो एक बार आपके पास वो हार्ड डिस्क आ जाए उसके बाद में आपको यहाँ पर उसको वारंटी रजिस्टर भी करवाना है, ताकि अगर आपकी हार्ड डिस्क में कोई भी प्रॉब्लम आए तो आपको उसके लिए कुछ ज़्यादा तकलीफ ना उठानी पड़े। तो यहाँ पर एक बार रजिस्ट्रेशन करवा देना है ताकि आपका रजिस्ट्रेशन वैलिड हो जाए। तो यहाँ पर मैं इस वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहां जाकर अपनी प्रोडक्ट रजिस्टर करवा सकते हो। तो दोस्तों, अब आपने वीडियो तो देख लिया, आपको पूरी जानकारी भी मिल गई कि ये हार्ड डिस्क कैसी है, लेने लायक है नहीं है, इसको वारंटी मिलती है नहीं मिलती है, कहां पर मिलती है, कैसे मिलती है, वो सब हमने आपको इस वीडियो में बता दिया। तो ये सब इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलना। अब यहाँ पर आपको इस पेज पर और 2 वीडियो दिख रहे होंगे, तो वो वीडियो भी आप चेकआउट कर सकते हो, आपको नई इन्फॉर्मेशन कुछ जानने को मिलेगी। तो आप वो 2 वीडियो भी आप एंजॉय कीजिए और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।